हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम इस सेशन में देखेंगे चैप्टर नंबर 14 ज्योग्राफी क्रैश कोर्स का, जहाँ पे पार्ट डी ओशिनोग्राफी, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 14 होगा रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन फ्लोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किया, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किया। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चैप्टर क्या है, रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन फ्लोर। तो ओशियन फ्लोर में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, रिलीफ फीचर क्या क्या है उसके अंदर में, ओशियन फ्लोर के अंदर में क्या क्या आपको मिलेगा उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझने से पहले ये समझते हैं कि जो हमारा अर्थ सरफेस है उसमें 75% क्या है, वाटर है, और 25% लैंड है। अब जो वाटर है उसमें से जो 75% वाटर है उसमें 97% क्या है आपका साल्टी वाटर है, मतलब पीने पीने योग्य है नहीं वो, ठीक है। और सिर्फ 3% बच जाता है फ्रेश वाटर के रूप में, क्लियर है। अब इस 3% में भी जो 2/3 है, मतलब जो 2% पानी है वो आपका फ्रोजन फॉर्म में है, स्नो के रूप में, बर्फ के रूप में, ग्लेशियर, आइस कैप्स और लेक्स में है, ठीक है। और जो बच गया आपका 1%, वो जितना भी पानी है उसका सिर्फ 1% पानी जो है, 1% पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और फ्रेश है। अब चूंकि से 1% पानी पीने योग्य है, लिक्विड है और पीने योग्य है, तो क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, बहुत ही स्कार्स नेचुरल रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो पानी का इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं कितना है। ये तो हो गया पानी के कम्बिनेशन की। अब देखते हैं जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल होता क्या है, वाटर साइकिल को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये क्या होता है, तो एक प्रोसेस है जिससे वाटर मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, एवं ऑन एंड बिलो द अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस पे या उसके ऊपर या उसके नीचे। तो अर्थ जो वाटर मूव करने का प्रक्रिया है उसको बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और यह वह प्रक्रिया है जिसे वाटर मूव करता है पूरे अर्थ पे अलग अलग प्लेसेस पे, उसे कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहेंगे, तो सिंपल भाषा में है, ठीक है। तो पानी को मूव करने के लिए चाहिए एनर्जी, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, सन इज द एनर्जी सोर्स। सन क्या है, सन से एनर्जी मिलेगा जो इस रिमार्केबल प्रोसेस जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है इसको पावर मिलता है, ठीक है। और इसका जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट के फॉर्म एनर्जी मिलेगा, जिसके कारण पानी क्या होगा, इवोपरेट करेगा ओशियन से, रिवर से और लेक से, फिर इवोपरेट करके जाएगा आपको एटमोसफेयर में, ठीक है। व्हेन द एयर करेंट्स रीच द कूलर लेयर्स, अब जब एयर करेंट होगा वो मान लीजिए किसी कूलर लेयर के पास पहुँचा ऑफ द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में ऊपर में पहुँचने के बाद इवोपरेशन के पास ऊपर पहुँचा और वहाँ पर ठंडा था, टेम्परेचर कम हुआ, जो वाटर वेपर है वो क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंसेशन होगा, वो पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियोस में, चैप्टर्स में, ठीक है। अराउंड कंडेंसेस अराउंड एंड क्लिंजेस ऑन टू द फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स मिलेगा, कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हमने पढ़ा था, तो उसके अराउंड क्या होगा, कंडेंस करेगा एयर में, और यह जो स्टेप होगा उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। जब इनफ वेपर होगा अटैच इट्सेल्फ, उस जो टाइनी पीस ऑफ डस्ट पार्टिकल है, छोटा सा जो पीस है उस पर अगर सफिशियंट अमाउंट में जब वेपर अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, वो क्लाउड फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, क्लाउड फॉर्म कर देगा। अब जब एयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्ट होने लगा, उसमें जो वेपर का कंटेंट है वो बढ़ने लगेगा, तो जो ड्रॉपलेट्स है दैट फॉर्म द क्लाउड, जो क्लाउड फॉर्म कर रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होने लगेगा, उसका साइज इंक्रीज होने लगेगा और इवेंचुअली वो स्काई से नीचे फॉल करेगा, और उसे कहेंगे प्रसिपिटेशन, क्या कहेंगे, प्रसिपिटेशन कह देंगे। अब प्रसिपिटेशन का भी अलग अलग फॉर्म होता है, जो ये भी मैं पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, रेन के रूप में, स्लीट के रूप में, स्नो के रूप में या हेल के रूप में। अब एक बार जब प्रसिपिटेशन ग्राउंड पर पहुंच गया तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ये रास्ते में ही क्या हो जाए, री इवोपरेट हो जाए, रास्ते में ग्राउंड पर पहुंच ही ना पाए, रास्ते से ही उड़ जाए हवा में, ठीक है। इफ इट इजंट री इवोपरेटेड, अगर मान लीजिए री इवोपरेशन नहीं हुआ तो मच ऑफ द वाटर विल बिकम क्या हो जाएगा, रन ऑफ बन जाएगा, मतलब ग्राउंड सर्फेस पर गिरेगा, वो फ्लो होकर चला जाएगा, स्ट्रीम में मिल जाएगा, किसी नदी में मिल जाएगा, ये वापस ओशन में चला जाएगा, ठीक है। जो कुछ प्रसिपिटेशन है वो आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और अंदर चला जाएगा ग्राउंड सर्फेस में, तो उसे कह देंगे हम इनफिल्ट्रेशन, क्या कहेंगे, इनफिल्ट्रेशन कह देंगे, ठीक है। अब वंस इज द ग्राउंड, ग्राउंड में पहुंच गया, अब वाटर जो अंदर में है वो ज्वाइन कर सकता है अर्थ के ग्राउंड वाटर सप्लाई में,
एंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोर हाउस है वाटर। तो वाटर का अगर वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्टोर हाउस कोई है तो वह है ग्राउंड वाटर है, ठीक है। द वाटर कुड ऑल्सो भी एब्जॉर्ब फ्रॉम द ग्राउंड बाई द रूट्स ऑफ द प्लांट। अब पानी जो अंदर गया है ग्राउंड से, अब वहाँ से प्लांट्स के रूट के द्वारा भी एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर अनदर फॉर्म ऑफ इवोपरेशन दैट कंट्रीब्यूट टू द वाटर साइकिल इज ट्रांसपरेशन। तो ट्रांसपरेशन क्या है, ये भी एक इवोपरेशन का रूप है, एक फॉर्म है जो कंट्रीब्यूट करता है वाटर साइकिल में। यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर गिवन ऑफ थ्रू द पोर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ज्वाइंस द एटमोसफेयर एज अ वेपर। तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स में जो पोर होते हैं वहाँ से वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो वो जब इवोपरेट करेगा और ज्वाइन करेगा एटमोसफेयर में एज अ वेपर, तो उसे कहेंगे हम ट्रांसपरेशन, ठीक है। विथ ट्रांसपरेशन एंड इवोपरेशन द साइकिल बिगेंस अगेन। और फिर इस ट्रांसपरेशन और इवोपरेशन से ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या क्या साइकिल में आ गया, एक इवोपरेशन हो गया, फिर कंडेंसेशन हो गया, प्रसिपिटेशन हो गया, फिर रन ऑफ हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हो गया एंड ट्रांसपरेशन हो गया। तो ये आपका एक वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक कंप्लीट साइकिल बन गया, उसमें ये प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ठीक है। ये आप डायग्राम भी दे सकते हैं, ओशन में पानी है, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, ये आपका क्लाउड फॉर्म हुआ, यहाँ से फिर बारिश हुई, ठीक है। बारिश होकर फिर वहाँ पे आएगा, फिर ओशियन टू लैंड, यहाँ पे क्लाउड फॉर्म हुआ, यहाँ पे क्लाउड फॉर्म हुआ, फिर लैंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यहाँ पे परकुलेशन हुआ, अंदर चला गया, ग्राउंड वाटर में मिल गया, फिर पानी फ्लो होकर वापस ओशियन में आके मिल गया। तो ये आपका पूरा कंप्लीट साइकिल दिखाया गया, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। अब देख आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। यहाँ पे एक आपको चार्ट दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। जब टोटल ग्लोबल वाटर की बात करें तो ओशियन में है 96.5%, जो अदर्स आपके सलाइन वाटर है वो आपको होंगे 0.9%, और फ्रेश वाटर यहाँ पे दिया हुआ 2.5%, ठीक है। तो ये सब रफ है, थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3% है, यहाँ पे 2.5% है, तो अप्रॉक्स मान लीजिए। फिर फ्रेश वाटर में बात करें तो आपका 68.7% कहाँ पे, ग्लेशियर और आइस कैप में है। फिर ग्राउंड वाटर 30% में है, और सरफेस या अदर फ्रेश वाटर 1.2% हो गया। अब इस 1.2% को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ग्राउंड आइस एंड सबसे ज़्यादा क्या है, ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट 69%, लेक्स में 20.9%, और इधर फिर सॉइल मॉइस्चर 3.8%, स्वैम्प मार्शेस 2.6%, रिवर 0.49%, एटमोसफेयर 3%, लिविंग थिंग्स 3.26%, ठीक है। तो उसके बाद ध्यान रखिएगा, परसेंटेज तो नहीं लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट टॉपिक है, रिलीफ फीचर ऑफ ओशन बेसिन। तो ओशन बेसिन में क्या क्या रिलीफ फीचर है उसको देखते हैं। द लैंड अंडर द वाटर्स ऑफ द ओशन, ओशन के अंदर जो ओशन में वाटर होते हैं उसके अंदर जो लैंड होता है उसको कहते हैं, जैसे ओशन फ्लोर कहते हैं। ये क्या होता है, रग्ड होता है, रफ होता है, उबड़ खाबड़ होता है। विथ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे, डीपेस्ट ट्रेंचेस देखने को मिलेगा, गड्ढा देखने को मिलेगा, और लार्जेस्ट प्लेन भी देखने को मिलेगा। तो बहुत आपको वेरिएशन है इसके अंदर, ओशन के अंदर। दीज फीचर्स आर फॉर्म्ड लाइक दोज ऑफ द कॉन्टिनेंट, जैसे कॉन्टिनेंट होता है वैसे भी फॉर्म हो गया, बाय द फैक्टर्स ऑफ टेक्टोनिक फैक्टर्स से, वोल्केनिक फैक्टर्स से, और डिपोजिशनल प्रोसेस से। पहला है आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल एरिया, यहाँ पे ये वाला जो इलाका है यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया ये, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ होगा ना, ये कॉन्टिनेंट का ही एक एक्सटेंडेड मार्जिन है, कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंडेड मार्जिन है बाई रिलेटिवली सैलो सीज एंड गल्फ, ठीक है। द कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्युपाइड बाई द रिलेटिवली सैलो सीज एंड गल्फ। तो सैलो सी होगा, डेप्थ यहाँ पे कम देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ में, और कॉन्टिनेंट का ही एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। इट इज द सैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, ओशन का सबसे कम गहरा हिस्सा है ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ, विच टिपिकली इंड्स एट अ वेरी स्टीप स्लोप, जो टिपिकली इंड कहाँ पे करेगा, जिसका इंडिंग पॉइंट होगा इस स्टीप स्लोप पे आपको इंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, एक स्टीप स्लोप देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इज कॉल्ड द सेल्फ ब्रेक, जो स्टीप स्लोप है ना उसे कह देंगे हम सेल्फ ब्रेक कह देंगे, ठीक है। सेल्फ ब्रेक क्या होगा, तो सी वर्ड एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ का जो सी की तरफ जो एज होगा उसको सेल्फ ब्रेक कहेंगे, और ये थोड़ा स्टीप होता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल सेल्फ अपने आप में स्टीप नहीं होता है, बहुत ही सैलोस्ट पार्ट है, ठीक है। जो पैसिव कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है,
आर जनरली मच वाइडर है, उसका जो विथ होता है वो ज़्यादा होता है जो पैसिव वाला इलाका होगा, ठीक है, अप टू 1200 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा कुछ एरियाज में, लेकिन जो एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है वो नैरोर होगा। तो याद रखिएगा जो एक्टिव वाला है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, नैरोर देखिएगा, लेकिन जो पैसिव कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो उसका विथ ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। द सेल्फ आर ऑलमोस्ट एबसेंट और वेरी नैरो अलॉन्ग सम ऑफ द मार्जिन, कुछ मार्जिन बहुत ही आपको नैरो देखने को मिलेगा या ऑलमोस्ट एबसेंट रहेगा, जैसे कि कोस्ट ऑफ चिली, कोस्ट ऑफ चिली में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा, वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा यहाँ भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस या ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस से आपको ये सब फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ऑन द कंट्ररी जो साइबेरियन सेल्फ है इन द आर्कटिक ओशियन, तो आर्कटिक ओशियन में जो साइबेरियन सेल्फ है ये आपको लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सेल्फ है पूरी दुनिया में। फिर इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो आपको लगभग 150 किलोमीटर वाइड है, हैज अ फार ब्रॉडर कॉन्टिनेंटल सेल्फ है देन ईस्टर्न कोस्ट। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि ईस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा कोस्ट ब्रॉड है, विथ ज़्यादा है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न कोस्ट क्या है वो ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट का कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है, ज़्यादा ब्रॉड है इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट का कितना 150 किलोमीटर वाइड है, लेकिन वहीं पे सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट का सिर्फ 50 किलोमीटर वाइड है। जो नैरो सेल्फ होता है आर फाउंड ऑफ द माउथ ऑफ द गंगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गंगा के माउथ पे आपको देखने को मिलेगा नैरो सेल्फ, महानदी के माउथ पे, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स में, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है आर कवर्ड विथ वेरिएबल थिकनेस, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होगा वो क्या होगा, आर कवर्ड विथ वेरिएबल थिकनेस होगा उसका ऑफ सेडिमेंट्स का, जो रिवर्स के द्वारा लाया गया हो, ग्लेशियर के द्वारा लाया गया हो। द सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय द कॉन्टिनेंटल सेल्फ और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अल्टीमेटली बिकेम द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आया है लंबे समय से रिवर्स के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, ये क्या बनता है, सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बन जाता है, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये क्या है, ग्रेट जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस रखता है, किस कारणों से, एक तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है और रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड मिलता है, जो इनका सैलोनेस है, मतलब इनका जो कम डेप्थ के कारण सनलाइट यहाँ पे पेनिट्रेट कर सकता है थ्रू द वाटर, वाटर के थ्रू सनलाइट पास होता हो सकता है। अब सनलाइट पास होगा तो इमेजिन कीजिए क्या होगा, ग्रोथ ऑफ माइन्यूट प्लांट्स एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसे प्लैंकटन्स कहते हैं, इसका ग्रोथ में आसानी मिलेगा। देयर फॉर द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए पूरे दुनिया में सबसे रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है हम यहाँ पे, जैसे कि ग्रैंड बैंक ऑफ न्यू फाउंड लैंड, द नॉर्थ सी एंड द सुंडा सेल्फ, यहाँ पे आपको बहुत मछली पालन के लिए बहुत बढ़िया ग्राउंड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका डेप्थ कम है, सैलो है, तो सन रेज पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी ये जो आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देयर लिमिटेड डेप्थ एंड जेंटल स्लोप, जो इनका डेप्थ काफ़ी कम होता है, लिमिटेड होता है, इसके अलावा स्लोप काफ़ी जेंटल होता है, माइल्ड होता है। कीप आउट कोल्ड अंडर करेंट्स, क्या करेगा, जो कोल्ड अंडर करेंट होगा उसको अब कीप उसको रखेगा। एंड इंक्रीज हाइट ऑफ टाइड, टाइड का आपको हाइट इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट जो सी पोर्ट है इंक्लूडिंग साउथहैम्पटन, लंडन हो गया, हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर, ये आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे ही लोकेटेड है, ठीक। फिर एक बात करें मिनरल एंड हाइड्रोकार्बन की, तो दे आर पोटेंशियल साइट्स फॉर इकोनॉमिक मिनरल, तो इकोनॉमिक मिनरल्स जैसे कि आपको उसका पोटेंशियल साइट है, जैसे कि आपका पेट्रोलियम का जो 20% वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है और जो गैस का, ये आपको सेल्फ से ही आता है, जैसे कि बॉम्बे हाई हो गया, पर्शियन गल्फ, नॉर्थ सी, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा, ठीक। फिर ये था आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ, क्या था, कॉन्टिनेंटल सेल्फ आता हो गया। अब देखेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है ये आपकी शुरुआत होती है सी वार्ड, इट बिगेन सी वार्ड ऑफ द स्लेफ पे, सेल्फ ब्रेक के, सेल्फ ब्रेक के बाद सी की तरफ बढ़ेंगे तो हम कॉन्टिनेंटल स्लोप देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एब्रप्ट इंक्रीज इन स्लोप देखने को मिलेगा। इसका अगर हम फिगर देखें, ये आपका हो गया सेल्फ ब्रेक हुआ, उसके बाद ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये स्लोप देख सकते हैं जो एब्रप्ट इंक्रीज हुआ है, इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलेंगे, ठीक है। द सीवर्ड एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो सीवर्ड एज होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एक बाउंड्री बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन बेसिन, तो ओशियन
बेसिन बेसिन और कॉन्टिनेंट के बीच के बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा। कैनियंस एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व इन दे रीजन, इसी रीजन में जो कैनियंस और ट्रेंचेस आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल स्लोप में। फिर होता है कॉन्टिनेंटल राइज, जो कॉन्टिनेंटल राइज है आर प्रेजेंट ओनली अलॉन्ग पैसिव मार्जिन, जो पैसिव मार्जिन में आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल राइज। अगर हम बात करें तो देर प्रेजेंट ओनली वेयर ओशियन ट्रेंचेज आर एबसेंट, जहाँ पे ओशियन ट्रेंचेज एबसेंट होगा वहीं पे कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलेगा। तो कॉन्टिनेंटल राइज को अगर हम देखें फिगर में, ठीक है, स्लोप के बाद ही ना यहाँ पे एक राइज मिलेगा, इसको बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटल राइज। ये आपका दिख रहा है कॉन्टिनेंटल राइज, यहाँ पे स्लोप हुआ, यहाँ पे एक राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। दे टिपिकली फॉर्म एट द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस में हमको मिलेगा वे ग्रेडियंट डिक्रीज शार्पली, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या करेगा डिक्रीज करेगा। उसके बाद आएगा डीप सी प्लेन और एबिसल प्लेन, क्या आएगा डीप सी प्लेन और एबिसल प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो डीप सी प्लेन और एबिसल प्लेन क्या होता है, तो डीप सी प्लेन्स आर जेंटली स्लोपिंग, एक जेंटली स्लोपिंग एरिया जो होगा ओशियन बेसिन का, एंड दी आर द फ्लैटेस्ट एंड द स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे फ्लैटेस्ट और स्मूथेस्ट रीजन कोई है तो आपका डीप सी रीजन है, ठीक है। दे द लेवलिंग इज द रिजल्ट ऑफ फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स आते हैं लाइक क्ले एंड सिल्ट फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स कवरिंग अप मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक इररेगुलरिटीज ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का जो भी वोल्केनिक इररेगुलरिटी था उसको ये कवर करके रखता है, जो फाइन ग्रेन सेडिमेंट आता है क्ले और सिल्ट हो गया कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ओवरऑल जो एबिसल प्लेन होगा कवर 25% ऑफ द अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस का 25% एबिसल प्लेन ही कवर करके रखा है, ठीक है। दे आर वर्चुअली फीचरलेस, वर्चुअली क्या होता है फीचरलेस होता है एक्सेप्ट नियर द ओशेनिक रिज, जो ओशेनिक रिज फॉर्म होता है वहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा, वेर स्मॉल वोल्केनिक हिल्स प्रोट्रूडिंग थ्रू द सेडिमेंट्री लेयर्स बिकम कॉमन, ठीक है। ओशियन विथ फ्यू एबिसल हिल्स, ओशियन जिसमें कुछ एबिसल हिल्स भी देखने को मिलेगा टेन टू हैव मोर एक्सटेंसिव एबिसल प्लेन, ठीक है। हेंस एबिसल हिल्स हैव लेस कॉमन, जो एबिसल हिल होता है उस पर जो उस प्लेन पे जो हिल होगा उसको बोलेंगे एबिसल हिल्स, लेस कॉमन होता है इन द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियंस बट मोर कॉमन इन पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशियंस में आपको ज़्यादा हिल देखने को मिलेगा, एबिसल हिल देखने को मिलेगा, लेकिन इंडियन और अटलांटिक में कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम उसको देखें एबिसल हिल को, ये एबिसल प्लेन हो गया यहाँ पे, ये वाला इलाका प्लेन फॉर्म में होता है, ये आपको एबिसल हिल हो गया, ठीक है। ये आपका वोल्केनिक आइलैंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। सबमरीन कैनोन्स क्या होता है, तो एसोसिएटेड विद द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये किससे जुड़ा हुआ है तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ से जुड़ा हुआ है एंड द कॉन्टिनेंटल स्लोप से जुड़ा हुआ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप से जुड़ा हुआ है। इज अ मेजर फीचर कटिंग थ्रू द सीएस दैट इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, एट राइट एंगल, तो ये क्या करेगा राइट एंगल पर कट करेगा टू द शोर लाइंस, ठीक है। दिस फीचर इज नोन एज सबमरीन कैनियंस, इसको क्या बोलेंगे हम सबमरीन कैनियन बोलेंगे, ठीक है, सबमरीन कैनियंस। अगर इसको हम देखें यहाँ पे, ये आपका होगा सबमरीन कैनियंस, ये अगर कट कर रहा है 90 डिग्री पे सेल्फ और स्लोप को, ठीक है। Along some passive margins, they appear to be a seaward extension. तो क्या होता है एक seaward extension में आपको पाया जाएगा at major river valley, जैसे कि Hudson River हो गया, Congo River हो गया, Chesapeake Bay हो गया, जो depend करेगा depend during the low sea level periods. जब low sea level periods आएगा तो उसमें और गहरा हो जाएगा। जो Hudson Canyon है is the best known submarine canyons in the world. फिर sea mounts and geysers क्या होता है, तो sea mount और are small रिलेटिवली स्टीप साइडेड वोल्केनोज, क्या होगा आपका स्मॉल साइज छोटा होगा और रिलेटिवली स्टीप साइडेड वोल्केनोज समुद्र वोल्केनोज होगा, वोल्केनो जो डूबा हुआ है अंदर में, राइजिंग टू अ हाइट ऑफ एटलीस्ट 1 किलोमीटर एबव द एवरेज ओशियन फ्लोर, तो एवरेज ओशियन फ्लोर से 1 किलोमीटर ऊपर अगर पहुंचा है तो उसको बोलेंगे हम सी माउंट बोलेंगे, ठीक है। मेनी ऑफ देम फॉर्म ओवर एरियाज दैट हैव हाईली कंसंट्रेटेड हीट एनर्जी नोन एज हॉट स्पॉट्स, many of them जो है वो आपका फॉर्म जो कर रहा है वो कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, उस एरिया में जहाँ पे आपको हीट एनर्जी आपको बहुत एक जगह किसी देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे हॉट स्पॉट। बट अ फ्यू मेनी फॉर्म नियर द ओशेनिक रिज, तो कुछ जो है ओशेनिक रिज के पास भी फॉर्म कर रहा है।
सी माउंट क्या होता है, ये आपको बहुत ही कॉमन है पैसिफिक ओशन में, और एनी प्लेट विथ रैपिड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जहाँ पे रैपिड सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखने को मिलता है वहाँ पे। द हवाइयन आइलैंड हो गया क्लासिफिक क्लासिक एग्जाम्पल हो गया चेन ऑफ सी माउंट का, ठीक है। जो गोएट्स आर द फ्लैट टॉप्ड सीमाउंट, जो गोएट्स है ये क्या हो गया, फ्लैट टॉप्ड सीमाउंट हो गया, हुज टॉप्स आर इरोडेड बाई सर्फेस ओशियन वेव इन द पास्ट, ठीक है। तो ग्रेट क्या हो गया, फ्लैट टॉप्ड सीमाउंट हो गया, जिसका टॉप क्या हो गया, इरोड हो गया है इरोजन के कारण, ठीक है। तो फ्लैट आपका सर्फेस देखने को मिलेगा, बिकॉज सी माउंट सिंक बिलो द ओशन, जो सी माउंट है आपको सी सिंक करता है ओशन के नीचे वाटर सर्फेस, एज दे बिकम ओल्डर, जैसे ही ओल्डर होगा दे आर बेसमेंट्स और फाउंडेशन फॉर द कोरल आइलैंड इन ट्रॉपिकल एरिया। तो ट्रॉपिकल एरिया में जो कोरल आइलैंड होता है उसके फाउंडेशन के रूप में काम करता है। तो सी माउंट गुएट्स को अगर हम देखें इसका, तो यहाँ पे आपका ये आपका सी माउंट हो गया, ये जो हो गया, ठीक है। अब इसी का अगर इरोजन इरोजन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे गुएट्स बोलेंगे, ठीक है। मिड ओसेनिक रिज क्या होता है, एम ओ आर, तो मिड ओसेनिक रिज इज कंपेयर्ड ऑफ टू चेन ऑफ माउंटेन्स, तो एक दो चेन ऑफ माउंटेन होगा जिसमें सेपरेशन किया गया होगा बाई लार्ज डिप्रेशन, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज बाई सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम, एक सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम होगा क्रेस्ट पे, विच इज द जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी, तो वो इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा बीच से। द माउंटेन रेंज है कैन हैव पिक्स, जो उसका पीक होगा 2500 मीटर तक हाइट का हो सकता है, और सम इवन रीच अबव द ओशन सर्फेस, कुछ ओशन सर्फेस से पहुँच सकता है। आइसलैंड ए पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक, जो आइसलैंड है वो क्या है, एक पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज का हिस्सा है, इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। दिस फीचर इज वेयर सी फ्लोर स्प्रेडिंग टेक्स प्लेस अलोंग अ डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री के अलोंग सी आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें मिड ओसेनिक रिज, ये आपका हो गया मिड ओसेनिक रिज, बीच में दो पहाड़ है, माउंटेन रेंज है, बीच में आपको क्या है आपका ट्रेंचेज फॉर्म है, ठीक है। ये आपका ट्रेंचेज हो गया, ओसेनिक ट्रेंच क्या होता है, तो दीज एरियाज आर द डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ओशन, ओशन का सबसे डिप्रेस्ड पार्ट होगा। दे आर ऑफ टेक्टोनिक ओरिजन, ये क्या होगा, टेक्टोनिक ओरिजन का होगा, एंड फॉर्म ड्यूरिंग ओशन ओशन कन्वर्जेंस, अगर ओशन ओशन प्लेट कन्वर्ज हो रहा है वहाँ पे आपको डिस्ट्रक्शन होगा, या ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है तब ये फॉर्म करेगा। दे अकर एट द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस में आपको देखने को मिलेगा, एंड अलॉन्ग आइलैंड्स आर्क्स एंड आर एसोसिएटेड विद द एक्टिव वोल्केनोज एंड विद स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक यहाँ पे पहुँच सकता है, एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो ट्रेंच है वो आपको पैरेलली रन करेगा बॉर्डरिंग फोल्ड माउंटेंस और आइलैंड चेन्स, तो ये आपका अलग अलग दिया हुआ है, पोर्टो रिको ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, ठीक है, साउथ सैंडविच ट्रेंच यहाँ पे, फिर एलुशियन ट्रेंच, कुरील ट्रेंच, जापान ट्रेंच, मैरिना ट्रेंच, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिस्ट भी दिया हुआ है कि मैरिना ट्रेंच कहाँ पे पैसिफिक ओशन में है, टोंगा ट्रेंच पैसिफिक में है, फिलीपींस, कुरील कमचटका ट्रेंच, करमडाक ट्रेंच, जापान ट्रेंच, याप ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, एलुशियन ट्रेंच, मिडिल अमेरिका ट्रेंच, यूरेशियन ट्रेंच बेसिन, ये सब कहाँ पैसिफिक में है। फिर अटलांटिक में आपको हो गया प्योर्टो रिको, साउथ सैंडविच, रोमानच ट्रेंच, फिर इंडियन में आपको डोमेंशिया, जावा ट्रेंच, कैरेबियन में आपका केमन ट्रफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 14, जो कि था क्या था, रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा आपका क्या, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वेरी मच।